हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो हमारा साइंस के सीडीएस साइंस के पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें हम कवर करने वाले हैं CDS 1 2022 में आए हुए साइंस के क्वेश्चंस को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज पॉजिटिव टू देन द इमेज इज। ठीक है, सो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन है, पॉजिटिव टू लिखा हुआ है और नेगेटिव टू लिखा है, उसका मतलब क्या होगा ये समझना पहले। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि जो इमेज है हमारी वो इरेक्ट बनी है, मतलब सीधी है। ठीक है, इरेक्ट के साथ साथ हमारा वर्चुअल भी होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। सिमिलरली नेगेटिव का मतलब होता है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है, और इन्वर्टेड के साथ साथ इमेज कैसी होती है? रियल इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। राइट, नाउ अगर ये प्लस या माइनस के साथ अगर वन लिखा है, दैट मीन्स जो इमेज है वो एग्जैक्ट साइज की है, एग्जैक्ट साइज एज ऑफ एग्जैक्ट साइज एज ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर इससे ऊपर है, जैसे कि यहां पे दिया हुआ +2, इसका मतलब है कि जो साइज है ओरिजिनल साइज है उससे बड़ी है इमेज। ठीक है, इसमें भी बड़ी ही होगी। राइट, अगर हमें स्मॉलर साइज दिखाना होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 0.75 या 0.5। इसका मतलब होता है कि 25% छोटी हो गई, 50% छोटी हो गई। ठीक, लोग कुछ समझते हैं अगर माइनस दिया हुआ इसका मतलब छोटी हो गई इमेज। ठीक, ऐसा नहीं होता है। माइनस का मतलब रियल इन्वर्टेड, प्लस का मतलब वर्चुअल इरेक्ट, और वन से ऊपर है अगर नंबर तो इसका मतलब इमेज जो है वो लार्जर भी बनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव टू है तो इरेक्ट वर्चुअल एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी विल बी आर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइक्रोम एंड ग्लास एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। हमें पता है जो सिल्वर नाइक्रोम ग्लास, उसमें सिल्वर जो होता है वो हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ऑब्वियसली इसका रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, उसके बाद नाइक्रोम एंड ग्लास आते हैं। राइट, फॉर द रिकॉर्ड आप इसके मैग्नीट्यूड भी याद रख सकते हैं रेजिस्टिविटी की। ओके, ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर। राइट, ओके, देन वी कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे होता क्या है ना, जो हमारा फॉर्मूला है जो कि ओम्स लॉ से आया था, वी इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से आप अगर करंट का देखोगे तो करंट का क्या निकल के आएगा, वी अपॉन आर। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस अगर जैसे ही कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप देखोगे तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है। राइट, जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा करंट विल इंक्रीज हेविली। राइट, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, अब जो करंट है इसका यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, याद रखना। वी वोल्टेज का क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओके, नाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये कौन सा रूल है, तो हमारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI पे वर्क करता है, ये है हमारा राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ठीक है, ये भी सही है। देन उसके बाद आप देखोगे तो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सेंटर पे ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और आउट ऑफ दैट ये कैसी होती हैं, तो ऐसे थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप है, इलिप्टिकल टाइप होती है। ठीक है, और अंदर जो होगा बार के अंदर वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। राइट, तो ये भी सही है। देन है द वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लाइव वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक पर, ये गलत है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो रेड कलर का वायर होता है हमारा वो होता है लाइफ, जो ब्लैक होता है या ब्लू होता है तो वो होगा हमारा न्यूट्रल वायर, और जो ग्रीन वायर होगा वो हमारा अर्थिंग की वायर होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है एंड यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए, नाउ अ बॉय कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, नाउ अगर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, ठीक है, ये हमें निकाल के बताना है 3 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। नाउ व्हाट वी हैव गिवन इज कि सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, तो एक सर्कुलर ट्रैक होगा ये सर। अब लेट से इसका डायमीटर इसमें दिया हुआ है हमें 200 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 200 मीटर है। ठीक है, और अगर हम रेडियस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, नाउ एक चक्कर काटने में इसको लग रहा है 30 सेकेंड ना। बॉय कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हुआ, लेट्स से ए से शुरू हुआ और वापस ऐसे घूम करके वो ए पे ही आया, कितने सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में उसका एक राउंड लगा।
हमारे पास टोटल टाइम है 3 मिनट 45 सेकेंड, दैट इज 180 सेकेंड 3 मिनट में और 45 सेकेंड्स और, तो ये कितने हो गए, 225 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, इसको अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 30 इधर 6, ठीक है, और देन 210, तो 180 सेकेंड्स में तो कितने हो जाएंगे, 6 राउंड हो जाएंगे 30 से डिवाइड करेंगे, और ये 45 सेकेंड्स एक्स्ट्रा है, 45 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स में 1 राउंड और प्लस 15 सेकेंड्स, मतलब इस 15 सेकेंड्स में ये कहाँ होगा, हाफ पे होगा, है ना, इस पोजिशन पे कहीं पे हमारा ये उस टाइम पे रहा होगा, राइट। तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि 180 सेकेंड्स में, जो कि 3 मिनट था हमारे पास, उसमें हमारे उसने 6 राउंड, उस बॉय ने, एथलीट ने, जिसने भी, देन इस 45 सेकेंड्स में से 30 सेकेंड्स में से एक और राउंड मारा, मतलब टोटल 7 राउंड्स हो गए, एंड 15 सेकेंड्स में ए से वो कहाँ तक गया होगा, बी तक गया होगा, मतलब हाफ राउंड। ठीक है, तो नाउ हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, ठीक, तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये स्ट्रेट लाइन विच इज ऑफ 200 मीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 200 मीटर है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट काफी सारे लोग स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, नाउ जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है जी एम एम बाई आर स्क्वायर, या यहाँ पे आप एम वन एम टू लिख लो, ठीक है, ये होता है फोर्स। अब इसका हमें क्या बोला है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड। नाउ एफ इज इक्वल टू, ये तो हमारा इनिशियल है, एफ वन, एफ टू अगर हम निकालेंगे, इसमें मास को डबल कर दिया, तो किसी एक मास को डबल किया तो 2g m1 m2 upon r को भी डबल कर दिया तो 2r का स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2g m1 m2 upon 4r स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 से ये 4 कट हो जाएगा 1/2, ठीक, तो एफ टू जो है एक्चुअली 1/2g m1 m2 by r स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया, राइट। सो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा, द फोर्स वुड बी हाफ। ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। चलिए, अब बेसिकली हमें कंबशन कराया है ग्लूकोज का, तो होता क्या है, जो C6H12O6 है, जो कि हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमने कंबशन कराया, तो कंबशन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, अब कंबशन कराएंगे तो बनता है CO2 + H2, ठीक है, ये होता है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये हमारा अपना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको पता ही होगा वाटर, ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 6 मोल्स ऑफ O2, 6 मोल्स ये और 6 मोल्स ऐसे, ये लगा देते हैं, ये हो जाता है बैलेंस, राइट। अब आप कैलकुलेट करके देखेंगे सारे एटम्स लेफ्ट और राइट में तो बैलेंस नजर आएंगे। अब हमें बोला है कि ये 1 मोल है ना, कुछ नहीं लिखा है, तो मतलब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को हमें कंबशन करने के, टोटली कंबशन कराने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो हम देख पा रहे हैं कितना चाहिए, 6 मोल्स चाहिए, ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा, ठीक। आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, उसके बाद आप इसको बस बैलेंस कर लोगे, यू विल हैव योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, सो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन में या तो होगा रिमूवल ऑफ ऑक्स सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये होता है। नाउ द टेस्ट ऑफ वाटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जो खाना हमारा खराब होता है बेसिकली वो रेंसिडिटी की वजह से होता है, तो रेंसिडिटी जो है इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्मड व्हेन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्सड विद सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, ये एक्चुअली में हमारा ऑक्सीडेशन नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिएक्शन में लिख के बताता हूँ, बेरियम क्लोराइड है प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 + NaCl, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है कि सोडियम जो है वो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, ठीक है, मोर रिएक्टिव, इस वजह से सोडियम क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, अब ये इसको डिस्प्लेस करके NaCl बना लेता है, तो बेरियम और सल्फेट खाली रह गए, तो ये दोनों मिल करके, ये और ये मिल करके क्या बना लेते हैं, बेरियम सल्फेट बना लेते हैं, तो ये यहाँ पे बेसिकली हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, और ये भी ऑक्सीडेशन,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, मेथनॉइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड इन, ठीक है, तो मेथनॉइक एसिड जो है हमारा एंट स्टिंग्स में होते हैं, ठीक है, एंट स्टिंग में, बी स्टिंग में, वो नेटल लीव वाला पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है हमारा क्लास 10 में, उसमें नेटल लीव्स लीव का दिया हुआ है, ठीक है, नेटल लीव का जो रेमेडी होती है वो भी वहीं पे होता है, डॉग प्लांट, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूँ बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, तो वहां पे वो क्या करते हैं, 104 को 2 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर निकाल के ले आते हैं 52, बट ये गलत है तरीका, ठीक। हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर और एटॉमिक मास, ठीक है। तो जो गिवन मास है वो तो क्या है, 104 ग्राम। अब हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, आप देखेंगे जब भी किसी किसी भी एटम का या उसका जब आप ये निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, तो वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लोग क्या करते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो वो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं, इसमें 2 प्रोटॉन है प्लस 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका एटॉमिक मास जो हो जाता है वो हो जाता है 4 AU, ठीक है। अब 4 है तो इसको हम 104 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26 मोल्स, ठीक है। चलिए, सो आंसर इज ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इफ वी सी अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इट मींस दैट द फ्यूल इज, ठीक है, तो जब भी हमें ऐसा फ्यूल में ब्लैक स्मोक दिखे, ठीक है, या फिर सूटी फ्लेम दिखे, इसका मतलब है वहां पे है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां पे भी बनेगा रहेगा, वो जब जलेगा तो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, ठीक है, वहां पे बहुत सारा स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा और ऐश बच जाएगा, ठीक है। सो ये हमेशा देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल इज डेराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन व्हिच इंक्लूड्स गैसोलीन एंड जेट फ्यूल, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, ब्लैक स्मोक देगा और फ्लेम को येलो कर देगा, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो वो हमेशा क्लीन फ्लेम देगा, दैट इज ब्लू कलर का जो फ्लेम होता है आपके पास, ठीक है, और उसमें कोई भी धुआं वगैरह नहीं निकलेगा, ओके। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते कौन से हैं, तो जो एल्कीन होंगे, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है, ये होंगे, एल्कीन में मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये होते हैं अनसेचुरेटेड, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एल्कीन, ठीक है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट है, नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स इन साइक्लोहेक्सेन आर, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का मतलब कि भाई 6 कार्बन है और वो सभी मिलकर के एक गोल है चेन बनाते हैं, ठीक है, साइकिल बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो 6 कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5 एंड 6, अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड बॉन्ड हो गए, मतलब अनसेचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप देखोगे, ये क्या है, हेक्सेन, ANE, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है, एल्केन का मतलब ही होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं तो वो एल्कीन या एल्काइन होता, राइट। अब यहाँ पे देखो कार्बन मिल गए, अब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाले कार्बन का एक बॉन्ड बन गया इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सिमिलरली इस कार्बन का एक इधर, दो इधर, तीन इधर, चार इधर, ठीक है, सब सबके चार चार बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक। तो ये कार्बन के जब आप देखोगे तो इधर बन रहा है, ठीक है, इसको अब मैं इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर करके दोबारा बताता हूँ आपको, आप देखोगे तो ये बन रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये आपस में बना रहे हैं कार्बन बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद हर कार्बन के पास दो दो क्या है, हाइड्रोजन है, तो 6 तो ये कार्बन के बॉन्ड बने और दो दो हाइड्रोजन सबके पास है, मतलब 12 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये ऐड करके कितने हो जाएंगे, 18 बॉन्ड्स, राइट। सो सैचुरेटेड बॉन्ड्स हमारे यहाँ सारे के सारे वो हो गए 18, और 0 अनसैचुरेटेड, क्योंकि कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ओके। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, तो ये चीज बहुत बार हम पढ़ते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो हमेशा होते हैं बेसिक इन नेचर, ठीक है, आप देखोगे तो Na2O, MgO, ठीक है, Al2O3, ये सभी क्या है, बेसिक इन नेचर है, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं
वो होंगे हमेशा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे SO2, CO2, NO2, ठीक है, ये सभी क्या होंगे हमारे एसिडिक होंगे। सो हमें बोला है इज ट्रू फॉर व्हेन नॉन मेटल आर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये होंगे हमारे दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें जब आप पढ़ोगे एक्चुअली, तो इन दिस टेक्निक जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में होता है, राइट। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है दिस टेक्निक हैज एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स, ये गलत है बिकॉज एनिमल्स में भी होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी सारे हमारे स्टेटमेंट ए सी और डी जो है सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है। सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द इसोफेगस ऑफ अ पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज विल बी अफेक्टेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा अफेक्टेड होगा वो टिश्यू होगा स्क्वामस एपिथीलियम। ठीक है, तो जो हमारा इसोफेगस में या माउथ में जो होता है वो होता है स्क्वामस एपिथीलियम। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे अगर स्मूथ मसल को, तो इसमें ये भी होता है इसोफेगस में। ठीक है, उसके बाद स्टमक में होगा। ठीक है, देन आप देखोगे तो इंटेस्टाइन में भी होगा आपका। ठीक है, लेकिन माउथ में ये नहीं होता है। ठीक है, देन आप क्यूबॉइडल एपिथीलियम देखते हो, तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहाँ पे होते हैं, तो जो हमारे ग्लैंड डक्ट्स होते हैं वहां पे मिलेगा, ओवरीज में मिलेगा, जो किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स वहां मिलेगा। ठीक है, जो स्ट्रियाटेड मसल्स हैं ये एक्चुअली जो हमारे मूवमेंट होती है बोन्स की उसमें इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट ऑफ वेरियस बोन्स, ये एक्चुअली हमारा 40% होता है बॉडी वेट के स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, नहीं ये गलत है क्योंकि ये बना होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से। फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, बाई लेयर का मतलब डबल लेयर। ठीक है, ओके, देन इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, ये गलत है, इट इज अ सेमी परमिएबल। ठीक है ना, तो ये भी गलत था हमारा स्टेटमेंट, ये भी गलत था, हमें बोला है करेक्ट। ठीक है, देन इट इज फ्लेक्सिबल एंड एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ मेनी मटीरियल्स। ठीक है, ये सही है, एंड इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें H2O, O2, CO2 इन सभी गैसेस का फ्रीली आना जाना होता रहता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ओके, चल नेक्स्ट वी हैव प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देन इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द डिजीज रिकेट्स डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, रिकेट्स में होता क्या है, तो बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये होता है वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी से, राइट। देन अगर आप वाइटामिन सी ए एंड बी देखेंगे उसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वाइटामिन सी में आपको स्कर्वी हो जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स, एंड अब ब्लीडिंग होती है तो जल्दी से रुकती नहीं, राइट। देन वाइटामिन ई की वजह से, वाइटामिन ए की वजह से आपको पोअर विजन हो सकता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। वाइटामिन बी की वजह से वीक मसल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली वाइटामिन बी इज अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे पल्मोनरी आर्टरी, कैपिलरीज, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज के इनके फंक्शंस दिए हुए हैं, वेन है, आर्टरी है, कैपिलरी है और कोरोनरी आर्टरी है। ठीक, तो इनके जब आप देखोगे फंक्शंस, तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरीज, जो आर्टरीज होती हैं हमेशा आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, लेकिन अकेला पल्मोनरी आर्टरी होगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, कहाँ से, हार्ट से लेके लंग तक। ठीक है, और लंग्स में क्या होता है, ये वापस से ऑक्सीजनेटेड बनते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद भी रखना है। जैसे आपके पास आर्टरीज हैं, मैंने बोला कि आर्टरीज जो है हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, सिमिलरली जो वेन्स हैं वो आपके कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा 4। कैपिलरीज जो है वो क्या करते हैं हमारे, ये हमेशा आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। कोरोनरी आर्टरी करते हैं ब्लड को हार्ट से और मसल्स तक ट्रांसफर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एंड पल्मोनरी वेन का मैंने आपको बताया था लंग्स से हार्ट में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेकर के जाता है, ठीक है, तो 1। तो 4, 3, 2, 1 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस, ठीक है। सो ग्रीन हाउस में आप देखोगे द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम सन कैन एंटर इन टू ग्रीन हाउस वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड इन द प्लांट्स इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास, ठीक है। तो ये जो है हमारा पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही होता है, ठीक है, बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट है और ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में थोड़ा सा कभी कभी आप बोर भी जाते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार इतना लंबा क्वेश्चन है पता नहीं क्या होगा पढ़ के। सो द की इज जस्ट टू रीड इट आउट, ठीक है, बहुत लॉजिकल लगेगा। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इन टू द ग्रीन हाउस वाइल लॉन्गर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड द प्लांट इन साइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक आउट थ्रू द ग्लास, इसीलिए वो जो ग्रीन हाउस गैस है या ग्रीन हाउस वह जो बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वो लॉन्गर फॉर्म जो लॉन्गर इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको बाहर ना जाने दे, उसकी वजह से जो प्लांट्स को फेवरेबल या ऑप्टिमम एटमोसफेयर मिल सके फॉर देयर ग्रोथ। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट वेज 9 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वॉट वुड बी इट्स वेट When measured on the surface of planet, where the acceleration due to gravity is 9 times that on the surface of Earth, ठीक है? So object का वेट है अभी यहाँ पे क्या 9 न्यूटन, ठीक है? अभी ऐसा कोई प्लैनेट है जहां पे जी जो है वो 9 times हो गया, ठीक है? तो अब मास जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या है, मास इंटू जी, और मास तो कॉन्स्टेंट होता है तो जी के हिसाब से वेट चेंज होगा, तो अगर जी हो गया 9 times बढ़ गया तो वेट भी क्या हो गया 9 times बढ़ जाएगा, ठीक है? सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट है द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट, ठीक है। एटमोस्फेयर में हमारे डिफरेंट लेयर्स होते हैं और हर लेयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है या फिर बोलो तो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इस वजह से जो लाइट होता है उनका रिफ्रैक्शन होता है और उस रिफ्रैक्शन की वजह से जो हमें लाइट्स हैं स्टार लाइट है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो रियल इमेज और हमें चाहिए सेम साइज, ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपके सामने दिया हुआ है, ये आपको याद कर रखना है। सेम साइज सिर्फ एक ही जगह पे बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं 2F पे, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ है इसका 15 सेंटीमीटर तो 2F कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसको, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रियल इन्वर्टेड भी बन रहा है और सेम साइज भी बन रहा है, ठीक है। चलिए, देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इट इज मेनली कंपोज ऑफ मीथेन गैस, इट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब हमारे पास सारे हैं, ठीक है। तो जो बायोगैस है वो एक्चुअली में एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो गलत हो जाता है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल दिया हुआ है, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये इसमें होता क्या क्या बायोगैस में, तो आप एक्चुअली में यहाँ पे आप देखोगे तो मीथेन होगा, SO2, CO2, ठीक है। एक्चुअली में इसमें जो मीथेन होता है वो 75% का, सबसे ज्यादा मीथेन ही आपको देखने को मिलता है, ठीक। उसका इसका यूजेस कहाँ पे होंगे, तो कुकिंग में यूज होते हैं, लाइटिंग में यूज होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना है बस कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी अमाउंट जो होगा वो मीथेन का होगा शेयर, उसके अलावा SO2, CO2 छोटे मोटे गैसेस होंगे, ठीक है, एंड इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, ठीक है। ह्यूमन स्टमक में जो एसिड फॉर्म होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है वहां से रिलीज होता है, ठीक है, और वही चीज वही स्टमक हमारा एक और चीज सेक्रेट करता है, वो करता है म्यूकस को सेक्रेट करता है, म्यूकस को सेक्रेट इसलिए करता है ताकि जो वॉल है हमारा स्टमक का, ठीक है, जो स्टमक का वॉल है इनर वॉल, ये हमारा एसिड की वजह से कोरोड ना हो, ठीक है, तो ये एक म्यूकस का लेयर बन जाता है,
ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा स्टमक का वॉल भी क्लोज हो जाएगा। ओके, अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इसमें एचसीएल होता है, एचसीएल का काम क्या होता है? तो एचसीएल जो होता है इट किल्स मेनी बैक्टीरिया, ठीक है, इन द फूड। ओके, देन जो ये डाइजेस्टिव जूसेस में एचसीएल होता है इसका आपको पीएच पूछ सकता है, एचसीएल इन स्टमक। ठीक है, इसका जो पीएच होता है वो होता है 1.6। ओके, याद रखना। चलिए, देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स लिटमस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लिटमस जो है वो कहाँ से आता है। तो लिटमस जो है हमारा वो आता है लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन एक प्लांट ऑर्गेनिज्म है जहां से हमारा ये लिटमस पेपर बन के आता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोटोजोआ है दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स विद अ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, देन वायरस जाते हैं। वायरस के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है कि वायरस जो है वो कभी मरता नहीं है, एक्चुअली वो बस इनएक्टिव हो जाता है, देन जैसे ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है देन अगेन ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू किल अ वायरस और टू फाइंड एन एंटीडोट फॉर अ वायरस। ओके, देन हमारे साइक्रोमाइस कौन से हैं? तो इनको बेकर्स यीस्ट भी बोला जाता है, एक और नाम है इसका। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताता हूँ, जो लाइकेन है लाइकेन के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं जो कि हमारा इसके लिटमस पेपर को बनाने में काम आते हैं। ठीक है, तो एक है हमारा लेकानोरा टार्टेरिया, ठीक है, और दूसरा है रोसेला टिंक्टूरिया। ओके, चलिए, देन वी हैव नेक्स्ट वन क्वेश्चन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन कैसे होता है? मैंने आपको बोला था जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जैसे कि SO2, NO2 वगैरह, ठीक है, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। ठीक है, या फिर फैक्ट्री का एग्जॉस्ट वगैरह जो निकलता है ना, फैक्ट्री एग्जॉस्ट और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, यहां से निकलते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में होगा हमारा मॉइस्चर, ठीक है, उसके अलावा वाटर वेपर, इनके साथ करते हैं रिएक्ट। अब सोच के देखो, SO2H2O जब बनेगा तो कौन सा एसिड बनता है? H2SO4। NO2H2O रिएक्ट करेगा तो कौन सा एसिड बनेगा? HNO3। ठीक है, ये कॉज करते हैं एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन से क्या क्या होगा? तो क्रॉप खराब होगा, एक्वेटिक लाइफ खराब होगी, ठीक है, बहुत सारे पंगे हो जाते हैं। ओके, सो इसका आप आंसर देखोगे तो क्या होगा? ए, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन रेन। ठीक है, चलिए, नाउ द म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू अ चेंज इन इट्स। तो जो म्यूटेशन होता है वायरस में वो उसका जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें चेंज आने की वजह से होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जीन्स डीएनए में कोई चेंज आएगा उसकी वजह से म्यूटेशन होगा, और उसकी वजह से वायरस अपने आप को, जैसे अभी कुछ दिन पहले जैसे पैंडेमिक हुआ था कोविड में, तो आप सुनते थे कि डेल्टा वेरियंट आया है, ये वेरियंट आ गया, वो वेरियंट आ गया, बहुत सारे वेरियंट आ गए थे। ठीक है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन। ओके, नाउ वी हैव यीस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। ठीक है, तो ये जो होता है वो हमारा होता है फंगाई को बिलोंग करता है। ठीक है, फंगाई, ऑप्शन बी इज आर राइट आंसर। ठीक है, देन हाइफे आर प्रोड्यूस्ड बाई यीस्ट थिन थ्रेड्स फाउंड बाई मेनी फंगाई रिप्रोडक्टिव सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम लूजिंग वाटर इन वेट कंडीशन। ठीक, सो एक्चुअली हाइफे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फंगाई, दे आर थिन थ्रेड्स फॉर्म बाय द फंगाई। ठीक है, तो जो हाइफे होते हैं, हाइफे, ठीक है, ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा एसेप्टेट, ठीक है, एसेप्टेट हाइफे, और एक होता है सेप्टेट हाइफे। ठीक है, एसेप्टेट हाइफे, सेप्टेट हाइफे। ठीक, अब जो न्यूक्लियर डिवीजन जब हो रहा होता है उस टाइम पे बनता है ये, एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन बनता है हमारा एसेप्टेट हाइफे, और जो सेप्टेट है वो बनता है आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन, इसका फंगाई का, राइट। देन इसको हम ना
मल्टी न्यूक्लियेट भी बोलते हैं, ठीक। और ये होता है हमारा, इसके पास कभी कभी टू भी दो हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, मे हैव टू और मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है, डिपेंड्स। ओके या सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू हैव फाउंड इट इंफॉर्मेटिव एंड फ्रूटफुल। फॉर एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आर व्हाट्सएप नंबर, एंड फॉर एनी डाउट्स रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो फॉर योर क्वेश्चन, आई बी हैप्पी टू आंसर दैम ऑल, राइट। देन यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, लिंक यू विल फाइंड इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक कॉमेंट एंड शेयर सो दैट एवरी वन कैन गेट दिस बेनिफिट एट द लास्ट टाइम फॉर द सीटीज एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जय हिंद।